मेरा पहला प्रश्न है अब यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रहा है आ, पहला क्वेश्चन है श्री स्वामी स्वातमाराम जी के अनुसार हठ युग विद्या का उपदेश किसने दिया था आप लोग ऑप्शन पढ़ें और उत्तर मैसेज दे सकते हैं और हम नाम पुकारेंगे भारती मैम आप थोड़ा इसका आंसर दीजिए जी जी बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है भगवान आदिनाथ शिव ने दिए थे जी अगले क्वेश्चन के और सब ने आंसर भी सही दिए हैं सही दिए आंसर बी 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 सबका आंसर सही है जी अगले क्वेश्चन है हठ प्रदीप का ग्रंथ के अनुसार हठ साधन का प्रथम अंक कौन सा है आप लोग इसे प्रश्न या प्रश्न पढ़े और हम जिनका नाम लेंगे उन्हें आंसर देना है आ, भावना मैम आप थोड़ा इसका आंसर देंगे हाँ जी इसमें आएगा डी इनमें से कोई नहीं क्योंकि फर्स्ट अंग है उसमें आसनों की चर्चा है जी 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 बिल्कुल सही है सबका आंसर भी आ, जी सही आ रही है और मैं तीसरे प्रश्न के लिए अग्रसर तीसरा प्रश्न है हट का में वर्णित आसनों की संख्या कितनी है आप लोग इसे पढ़ेंगे और किन्हीं का नाम लेंगे मीनाक्षी दी आप इनका प्र, उत्तर दें इसका आंसर होगा पंद्रह आसन बताए गए जी जी बहुत अच्छा इनका जवाब मिलेगा सी सी सभी लोग ना सी का ही दिए पंद्रह आसन लिखे सब सभ, सभी लोग ना बहुत अच्छा फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम निम्नलिखित निम्न में से कौन सा आसन नारियों का शोधनकारी बताया गया है आप लोग इन्हें पढ़ेंगे और किन्हीं को हम नाम पुकारेंगे मोना दी आप तो इनका उत्तर दिए सिद्धासन पहला नंबर ए हाँ जी जी शब का आंसर भी आ रहा है ए, है बिल्कुल सही क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सही नहीं है इन्हें बारीकी से हम पढ़ेंगे धीरे धीरे और इनका नाम हम पुकारेंगे सब मैसेज में सम्मिलित होंगे और हम नाम लेते हैं निशा निशा दी हाँ इनका उत्तर देंगे आप जी भैया सी आंसर है इसका कुटिया कोलाहल पूर्ण स्थान में हो ये गलत है कुटिया का जी जी बिल्कुल 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 ये जितने भी ए और बी और डी जो ऑप्शन है ये हमें होना चाहिए हठ साधन हठ साधक को अगला छठा क्वेश्चन आपका है सभी का आंसर भी सी आया है और छठे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हठा हट अभ्यास हेतु कुटिया का निर्माण संबंधित निर्णय से कौन सा तथ्य गलत है इसमें गलत ढूंढना है अब मैं नाम उच्चारण करूंगा किसी का और सभी लोग मैसेज में सम्मिलित होंगे पिंटू भैया आप इनका उत्तर देंगे हाँ जी पिंटू भैया जी सर सर इसका डी वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन नहीं है कुटिया तालाब के किनारे किनारे आज... ना। जी 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 सब का आंसर भी सही आ रहा है सभी लोग शिवम जी हाँ निशा सभी का, का डी ही आंसर है जी डी भी होगा और हम सतमा क्वेश्चन करते हैं यहाँ निम्न में से कौन सा हट सिद्धिकारक नहीं है आप लोग इन्हें पढ़ेंगे और मैं से सभी लोग सम्मिलित होंगे उत्तर देने का प्रयास करेंगे और नाम हम पुकारते हैं प्रकाश भैया आप इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे सतमा क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन का हाँ प्रकाश भैया सभी लोग का तो आंसर सही आ रहा है अच्छा सर प्रकाश भैया उप, उप, उपस्थित नहीं होंगे सात का क्या होगा डी होगा नियमाग्रह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है उन्हीं को चुनना है और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा इसमें टाइम दिया जाएगा और सभी लोग मैसेज करेंगे भी और नाम हम पुकारेंगे आ पुष्पा दीदी आप इनका उत्तर देंगे आंसर होगा इसका इस देश में चोर डाकू आदि का प्रभाव ना हो जी जी बिल्कुल सही सही है जवाब दिया आपने और सभी का आंसर भी सही है क्योंकि चोर डाकू होगा तो क्या होगा उसमें हठ योगी के लिए बहुत बाधा उत्पन्न होगी अगला क्वेश्चन नौ नंबर क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन सा हठ यो, हठ योग साधन के बाधक तत्व तो नहीं है आप लोग पढ़ेंगे इन्हें मैसेज में सभी लोग टाइप करेंगे और हम नाम पुकारेंगे शालिनी हाँ दीदी जी आप इनका उत्तर देंगे इसका ऑप्शन भी होगा साहस ओ, जी जी बिल्कुल हमें किसी कार्य को करने के लिए चादक होना बस, होना जरूर जरूरी है यहाँ हाँ अगला क्वेश्चन है दसवा नंबर क्वेश्चन है योगी स्वात्मा राम जी के अनुसार निम्न में से कौन सा हट साधन का अंग नहीं है इसे इसे मैसेज करेंगे आप लोग सबका बी आ रहा है आंसर अब नाम पुकारता हूं शिवम जी बताएं आप इनका उत्तर सर बी होगा कुंभक नहीं है उसमें सॉरी प्रत्याहार कुंभक नहीं प्रत्याहार जी जी जी, जी. इसका बी आंसर होगा दी, दी, दी। सभी लोग ने बी आंसर दिए हैं बिल्कुल सही अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे अगला क्वेश्चन बताया है बता रहा है निम्न में से कौन सा भोजन योगा अभ्यास में अपथ्य कारक माना गया है आप लोग हम नाम पुकारेंगे किन्हीं को अः हाँ विशाल भैया आप इनका उच्च देंगे उत्तर सर इसका पवन जी ए होगा कुल थी क्योंकि 22 प्रकार के कारक भोजनों का वर्णन के श्लोकों में मिलता है जी बिल्कुल बिल्कुल सर ए करेक्ट होगा आंसर सभी ने सही दिए हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और बारवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हट योग शब्द में हकार का संबंध निम्न में से कौन है आप लोग इन्हें पढ़ेंगे और जल्दी हम प्रश्न किन पूछते हैं आप बताएंगे सुशांत भैया सुशांत जी आप इनका उत्तर देंगे सब लोग मैसेज कर रहे हैं सही सभी लोग का मेरी बात को सुन रहे हैं सुशांत जी चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका आंसर क्या होगा ए नंबर होगा आंसर शून्य अगले की ओर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं तेरवा नंबर क्वेश्चन तेरवा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा आसन शरीर को शांति और विश्राम देता है आप लोग इन्हें पढ़ेंगे टाइप मैसेज करेंगे और हम इन्हीं का नाम पुकारेंगे आप वैदिका दीदी जी हाँ इनका उच्चारण इनका उत्तर देंगे तेरवा नंबर का चलिए दूसरे लोग से पूछते हैं राधिका दीदी आप इनका उत्तर दे देंगे हाँ जी जी बिल्कुल सही और अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं हाँ क्या बोल रहा नव विवाहित और गृहस्थ व्यक्तियों को किन किस आसन का निरंतर अभ्यास नहीं करना चाहिए यहां लगा ऑप्शन दिया हुआ विकल्प आप चुने और मैसेज टाइप करें और हम नाम पुकारते किन्हीं को हाँ बिपिन भैया आप इनका उत्तर देंगे सभी का आंसर सभी का आंसर ए आ रहा है भद्रासन हाँ सभी का आंसर हाँ सी ठीक है बहुत अच्छा सब सी का आंसर आया है चलिए अगले क्वेश्चन की और उनका प्रॉब्लम होगा नहीं उन्होंने जवाब दिए बहुत अच्छा है अगला पंद्रह नंबर क्वेश्चन है हर प्रदीपका के अनुसार निम्नलिखित में से किनको पथ आहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है आप पे रे पढ़ेंगे यहाँ चार जी जी हम नाम उच्चारण करेंगे किन्हीं को सालिनी दीदी आप इनका उच्चारण इसका आंसर देंगे कौन सा ऑप्शन होगा हाँ तो फिर पत्याहार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है आप पटोलक और यवक बी और सी होगा क्या इसका आंसर सभी लोग ए और बी दे, दे रहे हैं, हैं और किया इसका आंसर ए होगा ए ऑप्शन होगा ए और बी होगा इसका ए पटोलक हाँ जी।, जी 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 बिल्कुल सही अगले क्वेश्चन हम चलेंगे सोलवा नंबर क्वेश्चन हट प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोतासन आसन का का नहीं बताया गया है हम नाम लेंगे और सभी लोग मैसेज करेंगे आ, जी सभी लोग आंसर्स टाइप कर रहे हैं और नाम लेता हूं आ, भारती दी आप इनका उच... आंसर देंगे जी बहुत अच्छा जवाब आपने दिए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे सत्रवा नंबर क्वेश्चन सत्रह नंबर जी सत्रह नंबर क्वेश्चन है स्वात्मा राम जी सूरी द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वो दृष्टि गोचर हुए थे यहाँ ऑप्शन चूज करना है मैसेज टाइप करें सभी लोग और हम इन्हीं का नाम लेंगे आंसर आ रहा का दीदी -दी, आप इनका उच्चार आंसर देंगे कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर जी बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर फोर होगा ऑप्शन कुंभक मुद्रा जी सभी लोग दिए हैं आंसर अगले क्वेश्चन हम चलते हैं की ओर शवा नंबर जी हाँ अठारवा नंबर क्वेश्चन मेरे सामने उपलब्ध है श्री आदिनाथ के बाद सबसे पहले हठ योगी कौन थे नाम लेते हैं मैं राधिका दी आप इनका आंसर देंगे सभी का आंसर जी जी बिल्कुल सही सबका आंसर भी यही है आगे हम नंबर क्वेश्चन चलेंगे यमो में सबसे उत्तम क्या है चार ऑप्शन है दया अहिंसा क्षमा और एक ये क्वेश्चन है अगला हम इसका नाम पुकारते हैं सब लोग मैसेज करेंगे आ... भारती मैम भारती मैम आप बताइए इसका आंसर जी आपने जी अगले क्वेश्चन के चलते हैं सभी लोग का आंसर भी और डी सब लोग जवाब सही और नंबर नंबर हो गया क्वेश्चन की ओर चलते हैं सिद्धासन को और कौन से नाम से जाना जाता है और मैं नाम लेता हूँ सब लोग मैसेज करेंगे भावना दीदी आप इसका उत्तर देंगे हां जी इसमें तीनों ही नामों से हम जानते हैं इसको तो उपरोक्त सभी होगा डी जी बिल्कुल सही बिल्कुल का डी आ गया है आंसर और अगले क्वेश्चन इक्कीस नंबर क्वेश्चन चलेंगी हाँ इक्कीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा दो आसनों से जठराग्नि बढ़ता है यहाँ ऑप्शन यहाँ लगाना हम नाम पुकारते हैं किन्हीं का चैतन्य हाँ चैतन्य भैया आप इसका उत्तर देंगे जी हाँ मत्स्य आसन और हाँ, पश्चिमोत्तान हाँ जी इसका तीन होगा मत्स्य आसन और पश्चिमोत्तान आसन हाँ डी 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 बिल्कुल भी, भी सही जी अगले क्वेश्चन सभी का आंसर सी है बहुत अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कौन से आसन से कुंडली जागृत होती है यानी जागृत होता है यहाँ ऑप्शन आप मैसेज करेंगे सभी लोग और हम नाम पुकारते हैं किन्हीं का चंद्रकाला कोठारी हाँ चंद्रकाला हाँ इन नाम आईडीज़ जो है वो देंगे आंसर ऑप्शन अप, बी मस्तेंद्र आसन हाँ जी दी बहुत अच्छे दिए आंसर आपने बी सभी लोग का बी भी आया आंसर बी ही होगा अगले क्वेश्चन तेईसवा नंबर क्वेश्चन है कौन से आसन से प्राण का सुषमना में संचार होता है और नाम पुकारते हैं मैसेज देंगे आप लोग सभी आंसर में दे रहे हैं सभी लोग का आंसर ठीक है पर सभी लोग आंसर इसमें सभी दिए हैं ए ए ही आंसर होगा अगला आगे की क्वेश्चन देखेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन हाँ कौन से आसन के अभ्यास से शरीर की कालकूटो नामक विष का नाश होता है यहाँ ऑप्शन चार दिया गया है आप लोग इन्हें मैसेज करेंगे और नाम बोलते हैं हम दीपाली कट दीपाली जी आप बताएंगे इनका मयूरासन आएगा जी बिल्कुल सही अगल सभी का आंसर भी सही है और अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं पचीसवा नंबर क्वेश्चन है हठ योग प्रदीपिका में कितने नाडियों का वर्णन है इसका आंसर तो सभी लोग ठीक करेंगे ही चलिए बहुत अच्छा है सब लोग हैं इजी क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सभी लोग टाइप भी किए सब बहत्तर हजार बहत्तर हजार जी बिल्कुल सही अगला छे छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है हर प्रदीपिका का अनुसार कितनी सालों तक सिद्धासन का निरंतर अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्ति होती है सभी लोग पहले ही मैसेज टाइप कर दिए बहुत अच्छा ये तो नाम उच्चारण करने का जरूरत ही नहीं है बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हाँ दीदी कविता दी ऊपर कर दिए स्कोरिंग कीजिए सताइसवा नंबर क्वेश्चन हाँ आगे सताइसवां नंबर क्वेश्चन हाजिर है कौन सा आसन की निरंतर अभ्यास से उन्मनी अवस्था को प्राप्ति होती है चार ऑप्शन है नाम हम लेते हैं किन्हीं का कोमल दी आप इनका उत्तर देंगे आंसर डी ना सिंहासन डी उत्तर दिए आपने अ डी इसका आंसर सी सी होगा सिद्धासन होगा सिद्धासन को नहीं कहा गया वर्णन की आ, महिला मतलब इस ये कौन सा आसन हाँ उन उन महिला लोग के लिए नहीं किया गया इसे सिद्धासन को नहीं करना होता यहाँ लिखा गया था ग्रंथों में सिद्धासन का वर्णन मिला था और इसका आंसर सी होगा अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कौन सा आसन साधकों शब को प्राप्त नहीं है परंतु केवल कुछ बुद्धिमान लोग ही प्राप्त कर सकते हैं आप इनका नाम उच्चारण करेंगे आप बताएंगे हाँ जय कृष्णा जय कृष्णा हाँ भैया ये बताएंगे इसका अठाईस का उत्तर क्या होगा सभी लोग आंसर श्री 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 सिद्धासन 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 सभी लोग उत्तर दिए लेकिन इसका आंसर हमको थोड़ा कंफ्यूज है इसमें ए लिखा था, आ, पद्मासन, हाँ पदमाशन होगा हाँ, होगा इसका आंसर ही पद्माशन सही होगा अगला क्वेश्चन है उनतीसवा नंबर क्वेश्चन सिंहासन में दृष्टि को कहाँ स्थिर किया जाता है अज्ञा क्रिया नासिका पर या कोई नहीं या दोनों पर किया जाता है उनतीसवां नंबर जवाब देंगे आप लोग टाइप कीजिए मैसेज किसी का सी किसी का बी आ रहा है उत्तर हमें करना है इसका आंसर होगा बी होगा नासिका पर करना होगा सिंहासन को हमें नासिका पर हमको करना पड़ता है ध्यान इसका करेक्ट आंसर बी होगा अगला क्वेश्चन हम चलते हैं तीसवा नंबर क्वेश्चन हाँ सभी लोग बी किए हैं कोई सी किए हैं लेकिन इसका आंसर उन्तीस का जो है बी आंसर ही होगा अगला क्वेश्चन तीसवा नंबर कौन से आसन में दृष्टि का भूमध्य में स्थिर किया जाता है हम नाम पुकारते हैं सभी लोग मैसेज करेंगे हाँ कीरन दी आप इनका उत्तर देंगे सिद्धार्थन जी बिल्कुल आपने सही दिए इसका आंसर सभी लोग का भी वही आया आंसर सिद्धार्थन डी ऑप्शन अगला क्वेश्चन है किस आसन को श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजा जाता है इसका उत्तर देंगे कुंदन भैया इसका उत्तर देंगे और सभी का आंसर देखता हूँ कॉल मैसेज करते हैं सिंहासन मुझे लग रहा है सिंह सिंहासन ही होगा बहुत अच्छा जवाब दिए उन्होंने अगले क्वेश्चन हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये सभी लोग ए बी इसका आंसर ए ही होना चाहिए था इकतीस का बतीसवा नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। सभी लोग पहले ही आंसर दे दिए कौन से आसन को गोरक्षा नाम गोरक्षा आसन के नाम से जानते हैं जी सभी का आंसर सी सी बहुत अच्छा सब लोग दिए अब मैं हम लोग ने आज क्यूज बहुत अच्छा से खेले हैं सभी लोग को धन्यवाद और आगे कुंदन भैया आगे की क्ला, क्लास सत्र को आगे प्रारंभ कीजिए ये पूरा क्वेश्चन हो गया प्रदीप का बत्तीस ही क्वेश्चन था नमस्कार सभी को